नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंदर अरोड़ा है और आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी में एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है। दोस्तों, हम बात करेंगे ट्रांजैक्शंस जो कि अंडरटेक की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसके ऊपर जीएसटी का क्या टैक्सेबिलिटी रहेगा। यहाँ दोस्तों तीन सवाल आते हैं। पहला कि क्या वो एक्टिविटीज सप्लाई हैं? अगर वो एक्टिविटीज सप्लाई हैं तो दूसरा सवाल आता है कि उनकी टैक्सेबिलिटी क्या है, और अगर वो टैक्सेबल है तो टैक्स कैसे पे होना है। तीसरा सवाल ये है। एक एक करके इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इसी से हमारी बात कंक्लूड होगी। पहला सवाल, क्या वो एक्टिविटीज टैक्सेबल सप्लाई है? दोस्तों, जब हम बात करते हैं सप्लाई की तो वहां पर दो बातें देखनी है कि वो कंसिडरेशन के लिए हो वो एक्टिविटीज, और दूसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। कंसिडरेशन हैज टू बी देयर। जब बिजनेस की डेफिनेशन हम देखते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में, तो क्लॉज आई है वहां पर, वो ये कहते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी की तरह कोई भी एक्टिविटी करेगी तो वो बिजनेस है। अगर वो बिजनेस है दोस्तों तो ये ट्रांजेक्शन सप्लाई है। दूसरा सवाल, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है? तो यहां पर एक नोटिफिकेशन हमारे लिए रेलिवेंट है, वो है 12/17 सेंट्रल टैक्स रेट, जो कि 28 जून 2017 को आई। उसके आइटम नंबर 4 में ये लिखा है कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी कोई भी काम करेगी जो कि आर्टिकल 243(w) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, वो एग्जेम्प्ट है वो सारे एक्टिविटीज। आर्टिकल 243(w) में क्या क्या एक्टिविटीज मेंशनड है, उसमें से दो एक्टिविटीज, रादर एक एक्टिविटी मैंने ढूंढी है जो कि शेड्यूल 3 में ऑलरेडी लिखी है, और वो है सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रिमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज्ड। अगर ये 243(w) की एक्टिविटीज कोई भी अथॉरिटी गवर्नमेंट करती है तो वो एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा जब हम ढूंढने गए तो हमने देखा 13/2017 जो कि उसी समय 28 जून 2017 को इश्यू हुई, उसमें आइटम नंबर 5 में एक एंट्री है और वहां लिखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस देगी तो वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी। 12/17 ये कहती है कि दीज एक्टिविटीज जो आर्टिकल 243(w) में होंगी ये टैक्सेबल ही नहीं है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन 13/2017 कहती है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस दी है तो वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। वहां पर भी 4 एक्सेप्शंस कार्व आउट की गई हैं, मतलब वो 4 एक्टिविटीज जो कि 13/17 में एक्सेप्शंस के तौर पे हैं, वो 4 एक्टिविटीज अगर बिजनेस को दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा तो वो रिवर्स चार्ज में नहीं आएंगे, वो फॉरवर्ड चार्ज में आएंगे। वो 4 एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? पहला, रेंटिंग ऑफ इम्यूअल प्रॉपर्टी। दूसरा, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तीसरा, एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विस इनसाइड और आउटसाइड द पोर्ट और एयरपोर्ट। और चौथी सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। ये 4 जो है अगर गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को दी है तो फॉरवर्ड चार्ज में आएंगी, इसको छोड़कर सब रिवर्स चार्ज में, 243(w) को छोड़कर सारी रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज में इन 4 को छोड़कर सारी रिवर्स चार्ज में। Are you understanding my point, friends? So now let's conclude. Activities by the government is a business. Supply बनती है। 243(w) में जो भी activities है वो exempt है। 13/17 में जो भी activities government business entity को देती है reverse charge में है। वहां पर भी 4 activities reverse charge में नहीं है, मतलब forward charge में है। पहला, रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज, एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विसेज जो कि पोर्ट और एयरपोर्ट में दी जाती है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, ये 4। अब ये हमने एक समरी बना दी, सिर्फ एक बात रह गई कि 243(w) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 243(w) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज मेंशन है। वो 18 एक्टिविटीज है जो कि 12th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और ये सारी डिस्कशन जो मैंने अभी आपके साथ इस वीडियो में की है दोस्तों, मैं इसको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट भी कर दूंगा ताकि फ्यूचर में आप इसको रेफर कर सके या कॉपी कर सके। आर्टिकल 243(w) में 18 एक्टिविटीज आती हैं, अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग,
planning of land use and construction of buildings, planning for economic and social development, roads and bridges, water supply for domestic, industrial and commercial purposes, public health, sanitary conservancy and solid waste management, fire services, urban forestry, protection of the environment and promotion of ecological aspects, safeguarding the interest of weaker sections of society including the handicapped and mentally retarded, slum improvement and upgradation, urban poverty alleviation, provision of urban amenities and facilities such as parks, gardens and playgrounds, promotion of cultural, educational and aesthetic aspects, burial and burial grounds, cremations, cremation grounds and electric crematoriums. ये मैंने आपको बताया already schedule 3 में है. Schedule 3 वो है जो कि ना activities ना का supply of goods है, ना ही supply of services है. उसके बाद cattle pounds, prevention of cruelty to animals, vital statistics including registration of births and deaths, public amenities including street lighting, parking lots, bus stops and public conveniences, regulation of slaughterhouses and tanneries. दोस्तों ये 18 activities हैं जो article 243W of the constitution में आती हैं, exempt हैं, बाकी सारी reverse charge में हैं, reverse charge में भी 4 activities बाहर हैं, forward charge में हैं. दोस्तों ये तो पूरा हमने government activities की taxability को sum up किया. दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए. आपके सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइकिंग मेरे लिए मोटिवेशन है फॉर कीप वर्किंग टायरलेसली इनटू दिस सब्जेक्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.